उत्तराखंड के ग्रामीण क्षेत्रों में भी खेतों में काम करने की अनोखी परंपराएं देखने को मिलती हैं। कई गांव ऐसे हैं जहां लोग पलायन कर रहे हैं, वहीं कई गांव और इलाके ऐसे भी हैं जहां आज भी इन परंपराओं के साथ खेती बाड़ी की जाती है। ऐसा ही है चमोली जिले का सवाड़ गांव। यहां के लोग हुड़की बॉल के साथ खेतों की गुड़ाई, निराई और रोपाई अनादि काल से करते आ रहे हैं। आज भी यहां इन परंपराओं को स्थानीय लोगों ने जिंदा कर रखा है। पर्यावरणविद वृक्ष मित्र डॉक्टर त्रिलोक चंद सोनी ने बताया कि खेतों में काम करने के दौरान ग्रामीण मनोरंजन के तौर पर हुड़का बजाकर काम करते हैं। सेवानिवृत्त तहसीलदार जयबीर राम बधाणी कहते हैं कि जो लोग गांव में हैं वे आज भी अपने पूर्वजों की कई परंपराएं जीवित रखे हैं। इन परंपराओं को हमें अपने आने वाली पीढ़ी के लिए जिंदा रखना होगा। वहीं हुड़का वादक तिलोक राम ने बताया कि हुड़की बॉल की रीति रिवाज हमारी पूर्वजों की देन है। चमोली से संदीप कुमार की रिपोर्ट। मैं आज यहाँ ग्राम सवाड़ में आया हूँ और यहाँ पे ये हुड़की बॉल का जो ग्राम वासियों ने सहयोग हमको दिया और ये हुड़की बॉल हमारी एक पुरानी परंपरा से पूर्वजों से चली आ रही है और अभी मैं सब ग्राम वासियों से ये अनुरोध करता हूँ कि अपनी पुरानी परंपराओं को कभी मत छोड़ना, इसको चलाते रहना। उत्तराखंड के ग्रामीण क्षेत्रों की भी देखने में अलग परंपराएं हमको नजर आती हैं। हमारे पूर्वजों की जो ये परंपराएं हैं आज भी हमारे वर्तमान समय में भी वो हमारे गांव में जीवित है। आज मैं जनपद चमोली के दूरस्थ क्षेत्र ग्राम सवाड़ में आया हुआ हूँ और यहाँ ग्रामीण क्षेत्रों का जो यहाँ पर गुड़ाई निराई का काम किया जाता है वो हुड़की बॉल के माध्यम से किया जाता है।